नमस्कार दोस्तों, ट्री वन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपने इस किचन में इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनाने का प्रयास करूंगा और दिखाऊंगा कितने जल्दी ही झटपट रूप से तैयार बनाई जा सकती है। हमने दालचीनी ले रखी है, काली मिर्च ले रखी है, 10 से 12 दाने के आसपास, ज़्यादा हो तो न लीजिएगा। तुलसी पत्ता ले रखा है और कढ़ी पत्ता ले रखा है। 2 चम्मच के आसपास हमने चाय पत्ती ले रखी है। दोस्तों, कढ़ी का पत्ता शुगर को नियंत्रित रखता है। जो लोग उपयोग करते हैं उनके घरों में शुगर नहीं आता है। इसी तरह से तुलसी का पत्ता जो है वो हमेशा प्राचीन काल से हमारे समाज में उपयोग किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता सभी जानते हैं, यह सर्दी जुकाम से दूर रखता है। दालचीनी कैंसर रोधी है, शुगर रोधी है। और इसी तरह से जो हमारा काली मिर्च है, काली मिर्च गले को हमेशा अच्छा रखता है। मूली ठीक साथ उपयोग करने के बाद गला बहुत सुंदर हो रहता है। दोस्तों, पहले मैंने दूध और पानी के साथ मिला करके बॉयल कर लिया है और अब इसमें देखिए हमने पहले से थोड़ी सी चाय पत्ती डाल रखी थी। अब हम इसमें कढ़ी का पत्ता डाल रहे हैं और इसके बाद हम तुरंत इसमें तुलसी का पत्ता डाल देंगे। तुलसी का पत्ता हमेशा ही कच्चा भी उपयोग किया जाता है और चाय के रूप में भी बना के हमेशा प्राचीन काल से हमारे समाज में सभी जानते हैं, परिवार सदस्य जानते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है। ग्रामीण बहुत उपयोग होता है। ये दालचीनी है, अभी भी शोध से पता चला है कि कैंसर में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिनको शुगर नियंत्रित होता है, नहीं हो रहा है, उनको भी फायदा करता है और वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो भी व्यक्ति पानी में इसका उपयोग करके दालचीनी का लगातार कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उनका वेट बहुत तेज़ी से नियंत्रित होता है, कम हो जाता है। दोस्तों, एक इम्यूनिटी बूस्टर चाय है। आप टी वन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि हम इस प्रकार की जो विधियाँ बना रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लाभ के लिए कैसा फ़ायदेमंद है या नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान सभी में महामारी की समस्या भारतीय समाज में फैली हुई है। इसको दूर रखने के लिए, इससे बचने के लिए इस तरह की इम्यूनिटी बूस्टर चाय, मसाला चाय जिसको कह सकते हैं, पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये शरीर के हर प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ये देखिए प्रथम बॉयल आ चुका है, बॉयल ही बहुत सुंदर आया है। बॉयल के दौरान ही इतनी प्यारी सुगंध आएगी कि आपका मन मुग्ध हो जाएगा। लगी गए कुछ बना रहे हैं, यह चाय सुबह सुबह और शाम को ऑफिस आने के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठ के पिएँ, परिवार के सदस्यों के साथ पिएँ। अगर आप अकेले हैं तो ज़रूर पिएँ। आप याद रखें, अगर इस प्रकार की चाय का उपयोग करेंगे तो आपके अंदर सर्दी जुकाम और अन्य प्रकार की जो सामान्यतः मौसम परिवर्तन के साथ आप बीमारी होती तो आपके अंदर नहीं होगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी और आपका वेट भी लॉस होता रहेगा। दोस्तों, ये देखिए हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। ये मसाला चाय है, इम्यूनिटी बूस्टर चाय है और ये कुल 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ही सुंदर इसका कलर आया हुआ है। मैं चीनी चाय के बाद लेता हूँ और कुछ लोग चाहे तो चीनी ना भी ले, और मैं अदरक नहीं डालता हूँ। आप अदरक इस चाय में नहीं डालें। तो ये देखिए हमारा टेक्सचर बन के तैयार हो चुका है, चाय कितनी सुंदर बन गई। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमें इतना प्यार दिया, लगातार हमारा सब्सक्राइबर से